एक बादशाह के दिल में ख्याल आया कि मैंने मस्जिद बनानी है, तामीर करनी, मस्जिद तामीर करनी। अब बादशाह था, उसको कमी क्या थी, मस्जिद बनाने के लिए जगह का इंतखाब हुआ, तामीर शुरू हुई, लेकिन अपनी तरह नहीं बनाई उसने मस्जिद, जैसे हम लोग बनाते हैं, इधर मांग उधर मांग, है ना। ये बेचारे यहाँ के जिम्मेदारों ने भी मेहनत तो बड़ी की, कहीं गए नहीं ये, लेकिन मैं जब कभी कब्रिस्तान आता था मैयतों में तो देखता था हर मैयत पर कुछ लोग खड़े होकर यही अपने मरहूमीन के नाम से। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। देने वाला तबका अल्लाह की राह में अपने अपने हाथ से किसी के आगे हाथ फैलाए आसान नहीं, और फिर अल्लाह की राह में मांगने वालों को लोग कितनी हकीर नज़र से देखते हैं। रमज़ान शरीफ में 11 महीने तक सलाम करने वाले थोड़ा कट मार के चले जाते हैं, क्यों, चंदे का मौसम है ना, अभी मांग ना लें, ये हालत है लोगों की। लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ, लोगों ये बताओ, ये जो लोग जो मांग रहे हैं, क्या ये अपने लिए मांग रहे हैं? सच बताना, अपने ईमान वाले दिल पे हाथ रख के कहना, क्या अपने लिए मांग रहे हैं? बल्कि मैं तो आपसे ये कहता हूँ, जो अल्लाह के लिए मस्जिद मदरसे के लिए आपके पास मांगने के लिए आते हैं, वो आपके मोहसिन है, मोहसिन, कि वो आपका आपका बोझ वो अपने सर ले लेते हैं। आपने दे दिया मोहतमद लोगों को, मोतबर लोगों को, अब जक़ात आपकी है, सही जगह खर्चा वो कर रहे हैं। वरना इस शहर में तो इधर उधर के पता नहीं कितने कितने हजार मील के फासले से लोग आते हैं, उनके गांव में मदरसे भी नहीं होते हैं, वो आपसे चंदा लेके जाते हैं। मैं जाता हूं पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं। जब यहां पर आए रमजान शरीफ में, जिन सालों में मदीने मुनव्वरा जाना नहीं हुआ, तो पूछा कहां से आए हो, और मैं फलां जगह से, और फलां जगह क्या कहां मदरसा है, वो वहां पर है, मैं तो वहां आया था तकरीर के लिए, कोई मदरसा तो है नहीं, तो आए बाएं शाएं करने लगते। मालेगांव की आवाम से कहता हूं, अपना माल अपने शहर में खर्चा करो, अपनी जक़ात अपने शहर में दो, जहां तक आपकी नजर नहीं पहुंचती वहां क्यों जक़ात बर्बाद करते हो, क्यों तबाह करते हो, और ऐसी जगह दो जहां आप काम होता हुआ अपनी आंखों से देख सको। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ सुन्नी दावत इस्लामी को दो, या सिर्फ मेरे मदरसे को दो, या हमारे इदारे को दो, ना ना, आप हमें ना दो, आपकी मर्जी। मैं चंदा मांगने नहीं खड़ा हूं अपने मदरसे के लिए, और ऐसे मदरसा मेरा है भी नहीं, पूरी कौम का है, मैंने कहा अपनी कब्र में ले जाना है। 60 मदारिस चलते हैं पूरे शहर के अंदर, तहरीक सुन्नी इस्लामी की, जामिया चलता है, दो लड़कियों के मदारिस चलते हैं। मैं ये नहीं, मैं कहता हूँ हर सुन्नी इदारे को दो, हर सुन्नी इदारे को दो, सारे सुन्नी इदारे अपने, लेकिन एक बात कहता हूँ, थोड़ा झांक लो आपकी दी हुई रकम सही जगह पे लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि आपकी जकात गरीबों के लिए है, वो गरीबों पर, दीन पर, इस्लाम पर, शरीयत पर खर्च होना चाहिए, किसी के घर की जीनत नहीं बनना चाहिए, आपकी घर की जकात से किसी के घर का सोफा नहीं आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके घर की जकात से किसी घर की तिजोरी या फ्रिज नहीं आना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि जकात आप किसी को भी उठा के दे दे, वो जाने उसका काम जाने, काम नहीं चलता, आदा ही नहीं होगी, ढूंढो मुस्तहकीन को। और रमजान शरीफ आने वाला, ये भी कहता हूं, कुछ लोगों का जहन बना उठा के सब मदरसों को दो, कुछ लोगों का जहन बना उठा के सब रिश्तेदारों को दो, दोनों गलत है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अपनी जकात के तीन हिस्से करो। ये रोशनी मैंने कुर्बानी से ली है, अपनी जकात के तीन हिस्से करो। एक हिस्सा दीनी मदरसों में दो, जहां दीन का काम होता है, लेकिन वहीं जहां काम होता है, ये जहां आराम होता है वहां नहीं। कुछ मदरसे वाकई मदरसे हैं, कुछ मदरसे इस्लामी होटल और हॉस्टल बन गए, सिर्फ खाना और सोना है, कोई पढ़ाई नहीं, वो आप देख ले कहां आए, मुझे कुछ पता नहीं, आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। और अल्लाह के घर में कहता हूं, कोई मदरसे को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये बात याद रखना, मैं कभी भी किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूं, इसलिए कि आपने इतने बड़े मनसब पे मुझे खड़ा किया, मिंबरे रसूल पे,
मैं यहां आके किसी को टारगेट करूं, गीबत करूं, हराम है। अमानत है आप तक पहुंचाना, लेकिन आपकी ज़कात के जिम्मेदार आप हैं। झांको कहां काम हो रहा है वहां जाओ। तो एक अर्ज कर रहा था कि ये एहसान मंद एहसान करने वाले लोग हम पे जो अल्लाह की राह में मांगने हमारे पास आते हैं, मदरसा बन रहा है दे दो ना, मस्जिद बन रही है दे दो ना, लोग उनको मकरू नज़र से देखते हैं। ये मकरू लोग नहीं हैं, ये आपको दीन पे उभारने वाले लोग हैं, वरना ये अपने लिए नहीं मांग रहे। और मैं अपने साथियों से कहता हूँ, अपने लिए मांगने में शर्म होनी चाहिए। अल्लाह के दीन के लिए अगर ऐलान करना हो तो ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। बहरहाल तुम्हारी तरह मस्जिद नहीं बनी, मस्जिद बनाई बादशाह ने, बादशाह के ऐलान किया जो भी मस्जिद तामीर हो रही है इसमें कोई चंदा नहीं देगा, मैं अकेला बनाऊंगा। मस्जिद का काम शुरू हुआ, एक लकड़हारा गरीब, उसने सोचा मैं मस्जिद तो नहीं बना सकता पूरी, मैं पूरी मस्जिद नहीं बना सकता, मेरे पास तो चंद ईंटें, चार छः ईंटें होगी, चंद ईंटें हैं, ये ईंटें बादशाह को दे दूँ, बादशाह को दे दूँगा, मेरी ईंटें भी लग जाएगी क्योंकि मैं तो पूरा काम ही नहीं कर सकता। बादशाह के पास गया, उसके कारिंदों ने पकड़ लिया, कहाँ का इरादा है? कहा बादशाह से मिलना है, क्या बात है? और कहा कि कुछ काम है, गए। ये चंद ईंटें हैं बादशाह, अब आप मस्जिद बना रहे मेरी भी लगा लो ना। नहीं नहीं, हम सब अपनी लगाएंगे, किसी की नहीं लगाएंगे। अच्छा चला गया, अब क्या करूँ, ईंटों का क्या करूँ? अल्लाह की राह में खरीदा था देने के लिए, उसने ईंटों को बांधा और लकड़ी लकड़हारा था लकड़ियों के बीच में रख दिया और लकड़ी लेकर के चला और जहाँ बादशाह के मस्जिद तामीर की ईंटें पड़ी थी वहाँ जाके गिर गया। गिर गया तो गट्ठी भी गिरी, जब गट्ठी गिरी तो गट्ठी खुल गई, लकड़ी समेट करके बांध ली और ईंटों को चुपके से उसमें मिला दी, चुपके से मिला दिया। मस्जिद तामीर हो रही है, बन रही है, बन गई मस्जिद। अब मस्जिद का इफ्तिताह होने वाला है, कितनी खुशी होती है जिस दिन मस्जिद का इफ्तिताह होने वाला होता है। ये जिम्मेदारों से पूछे जिन्होंने मेहनत की, इमाम साहब से पूछें इन जिन लोगों ने काविशें की, मोहल्ले वालों से पूछे जिन्होंने अपनी हलाल कमाई में से चंदा दिया, सबको इंतज़ार है। सुबह मस्जिद का इफ्तिताह होगा, रात को आखिरी पैर में बादशाह की आंख लगने के बाद क्या देखा, मैदान मैशर बरपा है और मैशर बपा है और ऐसे में लोग जन्नत में जा रहे हैं। जन्नत में दो महल हैं आमने सामने, एक महल पे बादशाह का नाम लिखा है और बिल्कुल वैसा ही महल सामने है उस पे लकड़हारे का नाम लिखा है। बादशाह ने फरिश्तों से पूछा ये किसका महल है? कहा ये आपका महल है। ये मेरा क्यों महल है? आपने मस्जिद बनाई ना तो अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता अल्लाह उसके लिए महल बनाता, ये तेरा महल। अच्छा मैंने मस्जिद बनाई, ये लकड़हारा तो मेरा पड़ोसी है, मेरी रियाया में रहता है, इसने कौन सी मस्जिद बनाई? का बादशाह इसने मस्जिद नहीं बनाई, लेकिन चंद ईंटें अपनी हैसियत के मुताबिक इसने उसी मस्जिद की ईंटों में मिला दी, तो अल्लाह के यहाँ नापतौल नहीं है, जो एक भी लगाता है अल्लाह उसको पूरी मस्जिद तामीर का सवाब अता करता।